श्रीरूपं सार्वजाता सहगणा रघुनाथानृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा रघुनाथा श्रीविशाखानृतं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशादते सतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि शनिवार के दिन हनुमान जी का जन्म स्थान पे हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर मिला है। तो हनुमान जी एक पर्सनालिटी है जो हर कोई पूजा करता है, वैष्णव हो कि शिव का भक्त हो, कोई भी रहे, हर एक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है। द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी पूरे भारत में, आप मंदिर गिनेंगे कौन से देवता के सबसे ज्यादा मंदिर है, वो हनुमान जी का ही है। एवरीवन लव्स हनुमान जी, हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति हनुमान जी से हनुमान जी को पसंद करता है। एवरीवन लव्स हनुमान जी। लास्ट ईयर जनवरी में मैं मॉरिशियस गया था थोड़े भक्तों के साथ। वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना दूर है, वो एक आइलैंड है मॉरिशियस, हर एक घर में, हर एक हिंदू घर में हनुमान जी का मूर्ति है उनके आंगन में, जैसा तुलसी होता है ना, यहाँ पे हर एक के घर में हनुमान जी का विग्रह है। आई वाज जस्ट शॉक्ड टू सी दैट। हनुमान जी इज फेमस ऑल ओवर, हर एक व्यक्ति हनुमान जी को इतना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है, जो भगवान का भक्त बनता है, जितने भी जीव हैं उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं। जैसे कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, वैसे ही कृष्ण के भक्त भी दूसरों को आकर्षित करते हैं। जैसे हमारे षड गोस्वामी अष्टकम जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, उसमें लिखते हैं कि हमारे जो गोस्वामी थे वो धीर अधीर जनम प्रियो, वो असुरों के लिए भी प्रिय थे और भक्तों के लिए भी प्रिय थे। तो ये भक्तों का खासियत है कि वो दूसरों को आकर्षित करता है, दे अट्रैक्ट अदर्स टुवर्ड्स देम। तो हम हनुमान जी का सुंदरकांड का लीला चर्चा करने से पहले हम थोड़ा बहुत हनुमान जी के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यही स्थली है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म होता है। तो हनुमान जी के माँ का नाम है अंजना, सच ए ब्यूटिफुल नेम अंजना। या फिर जो इच्छा रखते हैं सब पूरा होता है। तो हनुमान जी के माँ का नाम है अंजना। अगर हनुमान जी इतने महान हैं, इमेजिन करो उनकी माँ कितने महान रही होगी। इसलिए जितना हम हनुमान जी का पूजा करते हैं, आज के दिन विशेषता हम यहाँ पे हनुमान जी के माँ अंजना देवी का भी पूजा करते हैं। तो हमारा प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि हनुमान जी का जन्म कैसा होता है। तो एक बार अंजना देवी यही पर्वतों में एक कहीं गुफा में तपस्या करती है और अकेले बैठ के तपस्या करती है। उस समय एक असुर आता है जिसका नाम है संपा सदन। तो ये असुर अंजना क्योंकि इतने सुंदर है उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है और उसको भोगने के लिए वो गुफा में प्रवेश कर रहा है और अंजना देवी अकेली है। कैसे तो ये असुर को मार के वो भागती है और उसके पीछे ये असुर आता है। भाग भाग के
अंजना देवी इतना तेजी से भाग रही है, भाग के एक एक आश्रम है जहाँ पे साधु संत रहते हैं इन्हीं पास में ही, वो गांव में जाती है और एक साधु के घर को खोल के अंदर प्रवेश करती है और वो साधु से प्रार्थना याचना कर रही है कि मुझे बचाइए। तब ये साधु देखते हैं और बताते हैं ये जो राक्षस है बहुत शक्तिशाली है और इसको एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो है केसरी। तो अंजना देवी वहीं पर बैठ के शिव जी का आराधना करती है कि हे शिव जी आप मुझे आके मदद कीजिए। और वो असुर प्रवेश करता है वो कुटिया में, उसी समय केसरी का आगमन होता है और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। हालांकि केसरी भी शक्तिशाली है पर केसरी इसको मार नहीं पाते। उस समय अंजना देवी फिर से प्रार्थना करती है शिव जी से और शिव जी उनको बताते हैं ब्लड खून करके उनको एक आवाज आता है। तो समय वो देखती है कि ये असुर का खून पड़ा था, तो एक बाण लेके वो बाण को वो खून में डुबाती है असुर के खून में और वो बाण को चढ़ाती है धनुष में। उस समय केसरी आके ये धनुष लेके ये असुर को मार देते हैं और इस तरह अंजना और केसरी का विवाह होता है। सब साधु संत बोलते हैं आप दोनों विवाह कर लीजिए, तो ये दोनों विवाह कर लेते हैं पर इन दोनों से पुत्र उत्पन्न नहीं होता। बहुत प्रयास करने के बाद भी पुत्र नहीं आता। फिर से शिव जी का आराधना करने के बाद शिव जी बताते हैं कि पुत्र मिलेगा पर साधारण रूप से नहीं मिलेगा, नॉट इन द ऑर्डिनरी वे, आप दोनों को तपस्या करना है। तो केसरी यात्रा करने के लिए भ्रमण करते हैं और अंजना देवी फिर से एक गुफा में बैठ के यहीं कहीं के गुफा में बैठ के तपस्या करती है। शी इज प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा, शिव जी का तपस्या करती है। उस समय बहुत लंबा समय तपस्या करने के बाद वायुदेव का आगमन होता है वो गुफे में। देखिए जब भी कुछ महान चीज करना है बिना तपस्या का महान चीज नहीं कर सकते। जब हम कृष्ण के जन्म के बारे में भी सुनते हैं, कृष्ण को जन्म लेने के लिए देवकी और वसुदेव ने बहुत कष्ट उठाए, लॉट ऑफ ट्रबल्स, उसके बाद कृष्ण का जन्म होता है। यहाँ पे अंजना देवी इतना तपस्या करने के बाद उनको हनुमान मिलते हैं। वैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद का जीवन, शिला प्रभुपाद को इस्कॉन में इतना सक्सेस क्यों मिला, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो बिना कुछ तपस्या के ऊंचा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये दुनिया में कॉलेज डिग्री प्राप्त करना है, इंजीनियरिंग डिग्री, कितना समय लगता है? पहले LKG, अपर KG, बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद इंजीनियरिंग का डिग्री मिलता है क्या? नहीं। उसके बाद 11th, 12th, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग, इतना 15 साल पढ़ाई के बाद हाथ में इंजीनियरिंग का एक पेपर सर्टिफिकेट मिलता है इंजीनियर बन के, है कि नहीं? वो भी तपस्या है, स्टूडेंट लाइक तपस्या है। किसको अच्छा लगता है पढ़ाई करना? एक दो व्यक्ति रहेंगे पर बाकी सब लोगों के लिए तपस्या है। तो एक डिग्री प्राप्त करने के लिए, जॉब करने के लिए, कमाने के लिए तपस्या करते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी कड़ी तपस्या लगता है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है ना, नो पेन नो गेन, अब कष्ट नहीं उठाएंगे कुछ महान चीज प्राप्त नहीं होगा। तो अंजना देवी इतना तपस्या करती है और इतना तपस्या के बाद वो गुफे में वायुदेव का आगमन होता है और वायुदेव अंजना को स्पर्श कर रहे हैं और अंजना जी सोच रही है ये कौन स्पर्श कर रहा है मुझे, तो चिल्लाने लगती है कौन है ये। उस समय वायुदेव प्रकट होते हैं और अंजना जी उनको पूछते हैं आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वायुदेव बोलते हैं ये बताने के लिए मुझे 2 कहानी आपको बताना पड़ेगा। तो पहला कहानी बताते हैं शिव जी का। शिव जी, जैसे मैं बोल रहा था अंजना देवी यहाँ पे तपस्या कर रही है, वैसे शिव जी भी कैलाश में तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे विष्णु सहस्रनाम में श्लोक आता है, एक बार पार्वती शिव को पूछती है आप जैसे शिव जी के हाथ में माला है लेकिन रुद्राक्ष माला है, जप करते हैं जैसे हम जप करते हैं शिव जी भी जप करते हैं, तब पार्वती जी शिव को पूछती है आप किसका नाम का जप करते हैं, तब शिव जी बोलते हैं मैं राम का नाम का जप करता हूँ, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हे रमा देवी मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ।
तो शिव जी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। शिव जी के बाजू में पार्वती बैठी है, पार्वती मतलब माया दीदी स्वयं। तो माया के छोटे से झलक से हम इतना प्रलोभित होते हैं, इमेजिन करो पार्वती देवी कितना सुंदर रहेगी। पार्वती जी शिव जी के बाजू में बैठी है, पर शिव जी जब ध्यान में जाते हैं, पार्वती है नहीं है उनको कुछ पता ही नहीं, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो एक बार शिव जी ऐसे ध्यान में चले गए और सब साधु संत बैठे हैं, शिव जी ध्यान से वापस कब आएंगे। तो इस बार जब शिव जी आंख खोलते हैं, राम राम भगवान का राम का नाम का जप करते हुए आंख खोलते हैं, पार्वती बाकी साधु संत पूछते हैं ये राम कौन है। शिव जी बताते हैं वही भगवान विष्णु अभी राम का अवतार लेंगे और उन्होंने देवताओं का आदेश दिया है बंदरों के रूप में अवतार लेने का, इसलिए मेरा इच्छा है मैं भी राम का दास बन के अवतार लेना चाहता हूं। तो पार्वती जी सोच रही है ये देखो कैसा पति है, जब साथ में रहते हैं ध्यान करते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं सेवा करते हैं, मुझे तो कभी टाइम देते ही नहीं है। तो पार्वती बोलती है ठीक है मैं आपको सेवा से तो रोक नहीं सकती, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं भी आपके साथ ये अवतार में भाग लूंगी। तो शिव जी बोलते हैं सब रोल फिक्स हो गए, मेरा कैसे तो एंट्री हो गया, हनुमान जी के रूप में मेरा एंट्री होने वाला है, आप क्या करोगे। पार्वती जी बोलती है मैं आपका पूंछ बन के आऊंगी। तो हनुमान जी का जो पूंछ है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि पार्वती का अवतार है, तो जैसे पत्नी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना पति के सेवा में, तो पूंछ फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन तो हनुमान जी का पूंछ है पार्वती है, और हनुमान जी शिव रुद्र के अवतार है, हमेशा फ्लेक्सिबल है पूंछ। पार्वती तैयार है, इमेजिन करो मतलब सब ईगो वगैरह उस छोड़ के पूंछ बन के आ रही है हनुमान जी का। और ये कहानी बताते हैं वायुदेव कि वो जो पुत्र है हनुमान, वो रुद्र अवतार आपके माध्यम से होने वाले हैं। और एक कहानी बताते हैं वायुदेव, ये कहानी है हम सब जानते हैं समुद्र मंथन लीला में, जब असुर और देवताओं के साथ मिलके वो समुद्र का मंथन करते हैं। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, यू नो काफ़ी कुछ चीज़ होता है उसमें, काफ़ी पदार्थ आते हैं, पर फाइनली सब होने के बाद अलाहल विष सब आने के बाद फाइनली अमृत आता है नेक्टर, जिसके लिए सब लोग रुके हैं। तो अभी वो अमृत आते ही दानव छीन के लेके जाते हैं दैत्य। तो देवता सोच रहे हैं हम क्या करें, चला तो गया, फिर से विष्णु की प्रार्थना करते हैं। फिर पूरे समुद्र मंथन लीला में हर बार जब देवता कष्ट में आते हैं विष्णु से प्रार्थना करते हैं और विष्णु मदद करते हैं। तो इस बार विष्णु बोलते हैं ठीक है मैं मदद करूंगा, तो एक स्पेशल अवतार लेते हैं मोहिनी मूर्ति का, इतना सुंदर। इमेजिन करो विष्णु अगर स्त्री बन गए तो कितना सुंदर रहेंगे, इमेजिन भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। तो मोहिनी मूर्ति बनते हैं और ऐसा चल चल के आते हैं, तो देव जो असुर हैं दानव है मोहिनी मूर्ति को देख के क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो अमृत अमृत सब भूल जाते हैं, उनको लग रहा है यही अमृत है, ये अमृत पी के क्या करेंगे, मोहिनी का अमृत मिल गया तो बस और कुछ अमृत नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो मोहिनी देवी आती है और देखते हैं कि हालांकि दानवों के हाथ में अमृत का कलश तो मिल गया, पर उनके बीच में फिर से झगड़ा कौन पहला पिएगा, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं ऑनेस्टी अमंग थीव्स, एक बार चार पांच चोर थे, बोलते हैं साथ में मिलके चोरी करेंगे। हाँ तो साथ में मिलके चोरी करते हैं, चोरी तो कर लिया, अभी जंगल में बैठ के बांट रहे हैं और एक दूसरे को बोलते हैं ऑनेस्टली बांटो, यहाँ पे गड़बड़ मत करो, गड़बड़ का माल है और उसमें ऑनेस्टी है कि नहीं। तो अमृत तो मिल गया पर कोऑपरेशन नहीं है इनके बीच में, कौन पहले पिएगा, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। उसी समय मोहिनी मूर्ति आती है और मोहिनी मूर्ति को देख के ये लोग बोलते हैं आप ही सॉल्व करो हमारे झगड़ा को, कलश दे देते हैं उसके हाथ में, बोलते हैं आप जिसको पिलाना चाहे पिलाओ बस। तो मोहिनी मूर्ति वो कलश लेती है, पिलाती है देवताओं को, पर देखती है असुरों की तरफ। तुमको लगता है हर व्यक्ति मोहिनी पे ही फोकस कर रहा है, किसको अमृत जा रहा है किसी को फर्क नहीं। तो बीच में राहु को समझ में आता है
और वो जाके थोड़ा बहुत देवताओं के लाइन में बैठ के अमृत पी लेता है। फाइनली विष्णु का रूप लेके राहु को मार देती है। तो ये लीला समाप्त होता है। शिव जी को ये लीला के बारे में पता चलता है, मोहिनी रूप, और शिव जी बोलते हैं वो समय मैं नहीं था, क्योंकि देवताओं ने मेरे पास एक ही बार आए हलाहल विष पीने के लिए, मैंने मोहिनी अवतार नहीं देखा, तो मैं देखना चाहता हूँ। विष्णु बोले इतना अवतार देख लिया, ये अवतार क्यों देख रहा है? शिव बोले मुझे देखना ही है। तो मोहिनी विष्णु बोले श्योर है क्या देखना चाहते हो? 100% श्योर, मुझे देखना ही है, बहुत जिद किया शिव जी ने। तो सडनली विष्णु गायब हो गए और साइड में इतना सुंदर स्त्री एक गेंद लेके एक बॉल लेके खेल रही है। तो वो देख के शिवजी धीर है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया सालों साल तपस्या करते हैं, पार्वती भी शिवजी को एजिटेट नहीं कर पाई, पर मोहिनी को देख के शिवजी पूरा पागल हो जाते हैं, मोहिनी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और मोहिनी क्या करती है, थोड़े साधु संत बैठे हैं कैलाश में जो शिवजी का आराधना कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, मोहिनी शिवजी को इनके बीचों बीच लेके जाते हैं और इनके रोल मॉडल है शिवजी और ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। मोहिनी को देख के ये लोग हाँ दूसरे डायरेक्शन में देते हैं और देखते हैं कि शिवजी मोहिनी के पीछे लगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है, रोना है, हंसना है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे मोहिनी अलग अलग दिशा में लेके जाते हैं शिवजी को और फाइनली शिवजी को छूने का अवसर देते हैं मोहिनी। तो एक बार शिवजी स्पर्श करते हैं मोहिनी का और शिवजी के शरीर से वीर्य निकलता है श्रीमद, और वो वीर इतना शक्तिशाली है क्या करें इसका, तब तो वायुदेव को ये वीर्य दिया जाता है, संभाल के रखो इसको। तो वायु बोलते हैं मैं ये वीर्य, शिवजी का वीर्य इतना गर्म है, मैं इसको रखूंगा, दुनिया भर के हवा सिर्फ गर्म ही चलेंगे। सप्त ऋषि जो है एक द्रोण बनाते हैं अलग अलग धातु का और उसमें ये वीर्य को रखते हैं और वायुदेव को देते हैं, सही समय पे ये वीर्य आप उपयोग कर सकते हैं। तो वायुदेव ये दो कहानी बताते हैं और बोलते हैं भगवान का इच्छा है कि ये जो शिवजी का वीर्य है आपके माध्यम से ये पुत्र जन्म होगा हनुमान जी का। तो ऐसे वायु पुत्र अंजना के गर्भ से जन्म होते हैं हनुमान जी, और उसके बाद हम हनुमान जी की लीला जानते हैं। हनुमान जी इतना सुंदर लीला करते हैं, इतने नटखट है, यहाँ पे अलग अलग चित्र दिखता है आपको हनुमान जी की लीला का। तो वहाँ पहला चित्र हनुमान जी सीधा सूर्य को खाने के लिए छलांग लगाते हैं, इतना शक्तिशाली बंदर है, डायरेक्टली जंप्स टू द सन। उसके बाद इंद्र वो वज्र छोड़ता है और हनुमान जी के हन पे लगता है और हनुमान जी आके गिरते हैं यही एक कहीं एक एरिया में गुफे में आके गिरते हैं। और उस समय ब्रह्मा जी आदि देवता वगैरह आके वायुदेव से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वायुदेव ने क्योंकि पुत्र के प्रति अपराध किया, देवताओं ने पूरे वायु को रोक दिया दुनिया भर का। तो सब लोग आके माफ़ी मांगते हैं और हर एक व्यक्ति हनुमान जी को बहुत वरदान देता है और इस तरह से हनुमान जी का नटखटपन और बढ़ता है। और फाइनली जैसे हमने सुबह चर्चा किया, तृण बिंदु करके एक साधु हैं, वो हनुमान जी को श्राप देते हैं कि आप सब आपका जो पावर है भूल जाएंगे, सही समय पे आपको याद आएगा, यू विल बी रिमाइंडेड एट द राइट टाइम। और वो राइट टाइम क्या था आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। हनुमान जी और बाकी बंदर जब रामेश्वरम के तट पे हैं, एट द शोर ऑफ रामेश्वरम, और संपत्ति ने उनको बताया है कि यहाँ के 100 योजन दूर लंका है, वहां पे सीता है, तो हनुमान जी को जाम्बवान बताते हैं उनके शक्ति के बारे में। तो हनुमान जी बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल, और महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं और स्क्वाट करके भगवान राम को याद करके छलांग लगाते हैं। उनका इतना प्रेशर रहता है हनुमान जी का, वो पूरा महेंद्र पर्वत फ्लैट हो जाता है, द होल थिंग जस्ट गोज फ्लैट, सब जानवर हर एक व्यक्ति वहां से भाग जाता है और हनुमान जी उड़ते हैं। वर्णन आता है जब हनुमान जी उड़ते हैं वो सक्शन प्रेशर के साथ वो पर्वत के जितने पेड़ हैं सब उनके पीछे जा रहे हैं, पूरा खींच के लेके जा रहे हैं हनुमान जी को। रामायण में वर्णन आता है हनुमान जी को जो शैडो था समुद्र में 280 miles by 80 miles, वो हनुमान जी का शैडो था। इमेजिन करो व्हाट अ बिग फ्लाइट। तो ये हमारा इंडिया का ओरिजिनल फ्लाइट है हनुमान एक्सप्रेस
दो ओरिजिनल फ्लाइट हमारे गरुड़ा और हनुमान जी। हनुमान जी ऐसे चलान लगाते हैं, तो जैसे हनुमान जी जाते हुए जय श्री राम भगवान राम को स्मरण करके चलान लगाते हैं, जैसे भगवान राम के धनुष से बाहर निकलता है निश्चित रूप से अपना जो देह है अपना जो गति है वो प्राप्त करता है, वैसे उतने कॉन्फिडेंस के साथ हनुमान जी जाते हैं। हालांकि अकेले जाते हैं पर हनुमान जी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेला नहीं हूं, राम है मेरे साथ, क्योंकि राम ने ऑलरेडी मुझे वो अंगूठी दिया है, अंगूठी और वो आदेश के साथ राम ने शक्ति भी दिया है। इसलिए जब गुरु और वैष्णव और भगवान का आदेश आता है वो आदेश को हम पालन करने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर शक्ति है या नहीं है, योग्यता है कि नहीं है, वो आदेश हमको योग्यता देता है। When the order comes, empowerment comes on its own. कैसा करना है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान करके लेंगे। तो वो श्रद्धा के साथ हनुमान जी चलान लगाते हैं। तो ये जर्नी में काफी कुछ लेसन सीखने को मिलता है, लॉट ऑफ लेसन। इनफैक्ट यहां से किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदरकांड शुरू होता है। सुंदरकांड सबसे वन ऑफ द बेस्ट कांड ऑफ द रामायण, उसमें पूरा हनुमान जी का ही लीला है। तो सुंदरकांड को सुंदर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी का वर्णन है। हालांकि एक बार पे हनुमान जी आ गया तो हालांकि सुंदर हनुमान जी जो मंदिर है उतना सुंदर दिखते नहीं है, फिर भी हनुमान जी सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। तो हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है मैं सुंदर बनूं, लेकिन एवरीवन वांट्स टू बी ब्यूटीफुल। हर एक व्यक्ति मिरर के सामने इतना टाइम स्पेंड करता है, और थोड़ा सुंदर होता था या होती थी कितना अच्छा था। तो बाहर दृष्टिकोण से हमारा सुंदरता बदल नहीं सकते, पर एक चीज करेंगे हम निश्चित रूप से सुंदर बनेंगे। वो क्या है, हम भगवान के सेवक बनेंगे, 100% विल बिकम ब्यूटीफुल। रामायण में कई कई के भी उदाहरण आता है, कई कई सबसे सुंदर स्त्री थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, दशरथ की तीनों पत्नियों में से कई कई सबसे सुंदर थी, पर जब उसने राम को निकाल दिया अयोध्या से और उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध आ गया, उसका सुंदरता चला गया। एक्सटर्नली सुंदर है पर अंदर से सुंदर नहीं रही। सो वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी ब्यूटिफुल इनसाइड, अंदर से सुंदर बनना। और वो कैसे बनेंगे, हनुमान जी के पदचिन्हों पे चलते हुए। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तभी हम एक्चुअली सुंदर बनेंगे, विल बिकम ब्यूटिफुल इन द आईज ऑफ गॉड। जैसे मैं बता रहा था दो दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, जब राम और सुग्रीव मिलते हैं राम सुग्रीव को देखते ही रहते हैं बहुत देर तक। हालांकि सुग्रीव बंदर है, बंदर में क्या सुंदरता है, पर भगवान देख रहे हैं कि ये सुग्रीव हालांकि बंदर है फिर भी उसने मेरा सेवा करने के लिए तैयार हो गया, इसमें भगवान सुंदरता देखते हैं। तो हनुमान जी के ये एपिसोड में काफी कुछ लेसन्स आता है। पहला चीज हनुमान जी हमको सिखा रहे फेथ, हाउ फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हालांकि संपत्ति ने हनुमान जी को बताया है, बाकी बंदरों को बताया है कि यहाँ के 100 योजन दूर लंका है, लंका इज देयर 100 योजना अवे, पर संपत्ति ने देखा है पर किसी बंदरों ने नहीं देखा, हनुमान जी ने भी लंका को नहीं देखा। समुद्र के बाद 100 योजन बाद लंका है कि नहीं पता नहीं। दूसरा, जांबवन ने हनुमान जी को बताया आप आराम से चलान लगा सकते हैं, हनुमान जी ने इसके पहले कभी टेस्ट नहीं किया, इतना दूर कभी हनुमान जी ने चलान नहीं लगाया पहले बार। तो हनुमान जी को जांबवन के शब्दों में विश्वास था और संपत्ति के शब्दों पे विश्वास था। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भक्ति के मार्ग में गीता सुनने के बाद, थोड़ा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ये सब होने के बाद, हम सब ये समुद्र में आते हैं, भक्ति के समुद्र में। और हमारे आचार्य बताते हैं आप लोग चलान लगाओ, श्रद्धा के साथ फेथ के साथ चलान लगाओ, और चलान लगाने के बाद आपको सीता मिलेगी। सीता मिलेगी मतलब भक्ति मिलेगी। तो हम विश्वास के साथ चलान लगाते हैं, तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, फेथ इज इंपॉर्टेंट। जब विश्वास के साथ करेंगे तभी कुछ चीज प्राप्त होगा। जैसे श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए,
प्रभुपाद को पता नहीं था मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, 70 साल का व्यक्ति है, पर प्रभुपाद ने विश्वास रखा, हैड फेथ इन द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु। और प्रभुपाद बोले ट्राई करता हूँ, ट्राई कर रहा, मेरा कर्तव्य है, सफलता विफलता मेरे हाथ में नहीं है। तो पहला चीज हनुमान जी सिखाते हैं, अगर हमको भक्ति प्राप्त करना है तो फर्स्ट थिंग वी नीड फेथ, श्रद्धा चाहिए। तो जैसा हनुमान जी उड़ते हैं, पहला जो ऑब्स्टिकल आता है वो है एक पर्वत, मैनंकर, वहां पे वो चित्र है, मैनंक पर्वत, इट इज अ गोल्डन माउंटेन, सोने का पर्वत है। हनुमान जी जैसे उड़ रहे हैं, इमेजिन करो हनुमान जी फ्लाइट चल रहा है, हनुमान जी का सडनली बीच समुद्र में से एक पर्वत उठता है, सोने का पर्वत, और हनुमान जी को बोलता है आपके पिता वायुदेव ने मुझे बचाया था, क्योंकि पहले जमाने में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, इमेजिन करो पर्वतों के पंख, कहीं लैंड करेंगे रॉन्ग जगह पे पूरा नाव मिट जाएगा, तो इसलिए इंद्र को लगा ये सही नहीं है, पर्वतों के पंख को इंद्र काटते गए अपने वज्र के साथ, उस समय वायुदेव आके ये मैनक को बचाते हैं, तो इसलिए मैनक उठते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं क्योंकि आप वायु के पुत्र हैं, मेरा इच्छा है कि आप आके मेरे पे थोड़ा विश्राम करके जाइए, आपका सफर बहुत लंबा है, बहुत सेवा कर रहा है आपको राम का, थोड़ा विश्राम करके आप जाइए। हनुमान जी क्या करते हैं, ये मैनक पर्वत को रिस्पेक्ट करते हैं, डील्स रिस्पेक्टफुली, हनुमान जी किसी का अपमान नहीं करते, वेरी रिस्पेक्टफुली इसको छूते हैं मैनक पर्वत को, और बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि राम विरह में है सीता के और सीता विरह में राम के, तो मैं यहाँ पे रेस्ट नहीं ले सकता, मैं कार्य करके आऊंगा और समय रहा तो मैं विश्राम करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल भक्ति के मार्ग में आता है, वो क्या है, कंप्लेसेंसी। अलग अलग प्रपोजल्स आते हैं, मन या माया आपको बोलती है रेस्ट लो, भक्ति करना है इतना स्पीड से मत करो, धीरे धीरे आराम से, बहुत समय है, जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स करो थोड़ा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भगवत धाम जाना है, हाँ थोड़ा आज वो करो। तो माया क्या बोलती है, भक्तों को बोलती है भक्ति करो पर कल से, फर्स्ट क्लास भक्ति करो पर कल से, आज थोड़ा मजा ले लो। तो ऐसे करते करते डे डे पोस्टपोन्ड होता रहता है, एवरी डे कीप्स पोस्टपोनिंग। जैसा वो कैलाश का स्टोरी आता है, नारद मुनि आके कैलाश को बता रहे हैं कैलाश भक्ति ले लो, कैलाश बोलता है नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसा कर करके कैलाश मर जाता है, he dies। तो समय बहुत जल्दी निकल रहा है। युधिष्ठिर महाराज को ये यक्ष पूछते हैं सबसे आश्चर्य चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्य अतः परम्। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ये दुनिया में सबसे आश्चर्य चीज ये है, हर दिन अनेक सारे लोग यमलोक जाते हैं, इतने लोग मरते हैं, पर जो लोग जिंदा हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत समय है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ है ही नहीं है दुनिया में। तो पहला चीज हनुमान सिखाते हैं अर्जेंसी, भक्ति करना है, भक्ति प्राप्त करना है तो एक अर्जेंसी होना चाहिए, दैट वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, टाइम निकल रहा है, इसलिए मुझे उत्साह के साथ भक्ति करना है। तो पहला ऑब्स्टिकल आता है कंप्लेसेंसी, साधना में आलसीपन, उसको ओवरकम करने के लिए हनुमान जी सिखाते हैं ये सेंस ऑफ अर्जेंसी, उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथुजियाज्म। तो इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं उनके सामने और एक ऑब्स्टिकल आता है, द सेकेंड ऑब्स्टिकल, ये एक नाग की मां है जिनका नाम है सुरसा, वो भी चित्र वहां पर दिखता है। तो सुरसा मुंह खोलती है और हनुमान जी को घोषणा करती है ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया, ये मार्ग से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति को मेरे मुंह में प्रवेश करना ही पड़ेगा, ये ब्रह्मा जी का वरदान है। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं नहीं मानता ये वरदान को, हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते हैं, तो सुरसा अपना मुंह का साइज बढ़ाती है, हनुमान जी और बढ़ते हैं, ये और बढ़ती है, ऐसा कॉम्पिटिशन चलता रहता है काफी लंबे समय तक। फाइनली हनुमान जी सोचते हैं मेरा लक्ष्य क्या है,
he reminds himself of the goal. मेरा goal क्या है? मेरा goal है लंका पहुंचना. मेरा goal इसके साथ competition करना मेरा goal नहीं है. इसलिए हनुमान जी अपना साइज रिड्यूस करते हैं, थंब साइज छोटे से हो जाते हैं. सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश करके बाहर आते हैं और बोलते हैं, हे माता, मैंने ब्रह्मा जी का वरदान रख लिया, आपके मुंह में प्रवेश करके मैं बाहर आ गया, अभी आज्ञा दे दो मुझे आगे बढ़ने का. तो सुरसा बहुत प्रसन्न होती है कि बहुत बुद्धिमान मानव है, वेरी इंटेलिजेंट. हाँ, तो छोटे होके हनुमान जी को प्रवेश करने का, आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे देती है सुरसा. सो दिस इज द सेकेंड ऑब्स्टिकल भक्ति के मार्ग में आता है, वो है कॉम्पिटिशन मेंटालिटी, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी. हम वी स्टार्ट टू कम्पीट विद अदर्स. ये बहुत इंग्रेंड है, दीज थिंग्स आर वेरी इंग्रेंड. भक्तों के साथ भी वी स्टार्ट टू कॉम्पीट, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, देयर इज कॉम्पिटिशन दैट कम्स. तो ये सेवा में ये कॉम्पिटिशन आता है, सेवा में कौन बड़ा सेवा करेगा, है कि नहीं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इसको बीट करूंगा, मैं उसको बीट करूंगा, दैट मेंटालिटी कम्स इन. और हम भूल जाते हैं कि लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, कॉम्पिटिशन विन करना लक्ष्य नहीं है. वी आर हियर टू प्लीज द लॉर्ड. तो हनुमान जी अपने आप को याद दिलाते हैं कि मेरा लक्ष्य लंका पहुंचना है, इसके साथ झगड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं है. इसलिए हनुमान जी नम्र बनते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. हनुमान जी मूर्तिमान स्वरूप है वो व्यक्ति के जो निरंतर भगवान के नाम का, राम नाम का जप करते रहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि. वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हनुमान जी के अंदर नम्रता है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट डिफीट. तो ये एपिसोड में हनुमान जी डिफीट स्वीकार कर लेते हैं, सुरसा जीत जाती है, पर भगवान के दृष्टिकोण से हनुमान जी जीते. जो नम्र बनता है वही जीतता है. तो हनुमान जी ऐसा आगे बढ़ते हैं और आगे जाके सडनली बीच फ्लाइट में ही हनुमान जी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे, पीछे नहीं जा पा रहे, रुक जाता है उधर ही. इमेजिन, फ्लाइट सडनली रुक गया. तो हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. और वो देखते हैं कि धीरे धीरे कोई उनको समुद्र के नीचे से खींच रहा है. तब हनुमान जी को समझ में आता है ये एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिम्मिका. तो इसके पास तांत्रिक विद्या था, वो व्यक्ति को उसके परचाई से पकड़ सकती थी और परचाई पकड़ के खींचती, वो व्यक्ति को खींच के उनको मारती थी. तो वो हनुमान जी को खींच रही थी समुद्र में, हनुमान जी को पता चल गया. तो क्या करते हैं, छोटे मन के सिम्मिका के मुंह में प्रवेश करके उसके हृदय में जाते हैं और उसके हृदय को फाड़ देते हैं. तो ये तीसरा ऑब्स्टिकल है भक्ति के मार्ग में, दिस इज एनवी, ईर्ष्या. ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या का मतलब हम दूसरों में गलत ढूंढते हैं, जो काला है, जो शैडो है, परछाई है, वो ढूंढते हैं और वो पकड़ के खींचते हैं लोगों को. वी ट्राई टू पुल अदर्स डाउन. ये एनवियस मेंटालिटी है. जैसे सिमिका हनुमान जी के परछाई को पकड़ के खींच रही है. तो जब हमारे अंदर ईर्ष्या रहता है, लोगों के अंदर अच्छा गुण भी है, बुरा गुण भी है. जब ईर्ष्या रहता है हम लोगों के बुरे गुण पे ही फोकस करते हैं, अच्छा दिखते ही नहीं है, और वो बुरे गुण पे फोकस करके व्यक्ति का निंदा करते रहते हैं. जैसे महाभारत में कहानी आती है, एक बार द्रोणाचार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुला के दोनों का आदेश देते हैं, ऑर्डर. वो युधिष्ठिर को जाके बोलते हैं, राज्य में जाके ढूंढो तुमसे श्रेष्ठ कोई है क्या, इफ देयर इज एनीवन बेटर देन यू. सॉरी, युधिष्ठिर को बोलते हैं आपसे बदतर कोई है क्या, देख के आओ. और दुर्योधन को बोलते हैं आपसे श्रेष्ठ कोई है क्या, देख के आओ. तो दुर्योधन जाते हैं और बोलते हैं, गुरुजी मैंने पूरा राष्ट्र ढूंढ लिया, मेरे से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मैं ही नंबर वन हूं, सबके अंदर दोष है, मेरे अंदर बिल्कुल दोष नहीं. युधिष्ठिर भी जाते हैं और वापस आके द्रोणाचार्य को बोलते हैं, मैंने पूरा राष्ट्र ढूंढ लिया, मेरे से बदतर और कोई नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण है जो मेरे में नहीं है. दोनों व्यक्ति वही राष्ट्र में घूम रहे थे, वही लोगों को देख रहे थे, पर दोनों के पास अलग अलग चश्मा था. एक ने दूसरों में दोष देखने का चश्मा पहना था और एक ने दूसरों में अच्छाई देखने का चश्मा पहना था. तो ये दृष्टिकोण है, हम क्या देखना चाहते हैं.
हम लोगों में दोष देखना चाहते हैं या अच्छाई देखना चाहते हैं। तो ये ईर्ष्या को ओवरकम करने का तरीका है उसको हृदय से निकालना। तो इसलिए हमारे बॉम्बे में एक ब्रह्मचारी है वरिष्ठ सुदामा ब्रू, तो बोलते हैं एनवी ईर्ष्या। एनवी का मतलब है एनवी, नो वैकेंसी। जिसके हृदय में एनवी है, ईर्ष्या है भगवत धाम में, उसके लिए वैकेंसी नहीं है। क्योंकि हम आए हैं भगवत धाम से ईर्ष्या करके, भगवान के साथ ईर्ष्या करके हम आए हैं। जब हम ईर्ष्या से मुक्त होंगे तभी हम भगवत धाम जाएंगे। तो ऐसे चलते चलते हनुमान जी फाइनली लंका पे लैंड करते हैं। तो लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी रुके हैं, सनसेट में प्रवेश करते हैं लंका में। तो हनुमान जी रुके हैं, जब रात होगा, रात के अंधेरे पे हनुमान जी लंका में जाके ढूंढना चाहते हैं सीता को। तो छोटे से एक बिल्ली का साइज लेके रुके रहते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि शुरू होता है, तब हनुमान जी प्रवेश करने वाले हैं। उस समय लंकिनी, जो लंका के अधिष्ठान देवी है, वो आके रोकती है और बोलती है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी बोलते हैं, देखो मैं तो बंदर हूँ, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, आपका लंका इतना सुंदर है, मैं थोड़ा 2-3 सेल्फी निकाल के आता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। लंकिनी बोलती है, नहीं कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और हनुमान जी को धक्का देती है। हनुमान जी प्रयास करते हैं इससे बातचीत करने का, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हनुमान जी फाइनली एक मुक्का मारते हैं लंकिनी को, नहीं मारना चाहते स्त्री को पर करना पड़ रहा है। हनुमान जी मुक्का मारते हैं लंकिनी को, और लंकिनी जाके गिर के जब उठती है उसका हृदय का परिवर्तन हो जाता है और बोलती है वेलकम टू लंका, प्रवेश करो। और बोलती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था, जब एक बंदर आके आपको मुक्का मारेगा, समझ लेना लंका का अंत होने वाला है बहुत जल्दी। तो लंकिनी बोलती है, आपके लिए हम रुके थे, आ जाओ। तो लंकिनी अटैचमेंट को सिंबलाइज करती है। हालांकि पूरा दुनिया लंका या सब कुछ भगवान का ही है, पर लंकिनी सोच रही है, नहीं ये मेरे स्वामी रावण का है। तो ये सब अटैचमेंट रहता है और हमको लगता है नहीं ये मेरा एरिया, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे शिला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं, जो जो लोग बहुत रईस हैं उनके घर में बहुत बार साधु संत प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास घर के बाहर बहुत बड़ा एक नोट बोर्ड रहता है, स्ट्रेंजर्स नॉट अलाउड। तो उसके वजह से क्या होता है, साधु संत प्रवेश नहीं कर सकते। बट जो लोग गरीब लोग हैं उनके पास साधु संत बहुत आराम से जाते हैं, वेरी इजीली देखो। तो इसलिए ये मेंटालिटी है, जब हमको लगता है अटैचमेंट, मैं और मेरा, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब क्या है, अपने राष्ट्र के साथ बहुत अटैच था, इतना अटैच था दूसरों को, पांडवों को और कृष्ण को जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लंकिनी ये नहीं जानती कि पूरा लंका भी राम का है और हनुमान जी का है, उनके भक्तों का है, और वो सोच रही है मेरा लंका है और रावण का लंका है। तो ये अटैचमेंट को तोड़ने के लिए हनुमान जी मुक्का देते हैं। तो गुरु का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य है अपने वचनों से हृदय के जो आसक्ति है उसको तोड़ना। इसलिए गुरु का एक मतलब है हैवी, जो बहुत भारी है। गुरु जब हमारी जिंदगी में आते हैं हमारे आसक्ति को तोड़ के निकालते हैं। अर्जुन गीता के शुरुआत में उनके अंदर बहुत अज्ञान था, बहुत आसक्त थे, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, भीष्म को कैसे मारूं, द्रोण को कैसे मारूं। कृष्ण गीता सुना के अर्जुन के हृदय का सर्जरी करते हैं और अटैचमेंट को निकालते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि चिंत्यते सर्व संशय, भागवत में वर्णन आता है, भगवान का कथा सुनने से स्पेशली साधु संतों से हमारे हृदय के आसक्ति टूटता है और हम हमारे हृदय में प्रवेश देते हैं भक्तों को और भगवान का। तो ऐसे हनुमान जी प्रवेश करते हैं लंका में। तो जब लंका को देखते हैं हनुमान जी सोच रहे हैं, इतना सुंदर शहर है, सच ब्यूटीफुल सिटी, और लंका रात में और सुंदर होता था। जैसे हमारे गोवा में है ना कैसीनो, दिन में तो ऐसा फीका लगता है पर रात में ऐसा चमकता है, कोई भी मोहित होगा। ओरिजिनल कैसीनो रावण ने शुरू किया था, रावण का परंपरा है ये कैसीनो का परंपरा। लंका दिन में ठीक था पर रात में सॉलिड नाइट लाइफ, क्योंकि दिन में सब सोते थे उधर, रात में जागते थे, 9 बजे के बाद उनका दिन शुरू होता था।
तो हनुमान जी जो प्रवेश कर रहे हैं देख रहे हैं कि कोई नहीं सो रहा है, हर एक व्यक्ति मजे में है, क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा। तो राजा तो दारू पी के पूरा मस्त है, तो हर एक प्रजा वही कर रहा है, हर एक घर में पार्टी चल रहा है, छोटा पार्टी बड़ा पार्टी, दारू का म्यूजिक का। और हनुमान जी देख रहे हैं कि कौन सा जगह है, स्वर्ग लोग है क्या है, समझ में नहीं आ रहा, इतना सुंदर शहर। तो हम में से कोई होता हनुमान जी के स्थान पे वहां से वापस नहीं आता, लेकिन बाकी कोई बंदर जाते थे वापस नहीं आते, तो इसलिए राम ने हनुमान जी को चुना, क्योंकि ये बाकी जा सकते थे पर भगवान को पता था वापस हनुमान जी आ सकते हैं। इतना प्रलोभन था वो जगह में, भक्ति करना बहुत मुश्किल था। हनुमान जी प्रवेश करते हैं धीरे धीरे, और हनुमान जी लंका को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे जाके हनुमान जी को वर्णन करना है। देखिए जो सर्वेंट है उसको अलर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु की सेवा में, इसलिए भक्त अपना कान आंख हमेशा ओपन रखते हैं, अलर्ट रखते हैं। तो हनुमान जी को पता था आगे जाके मुझे राम को बताना है लंका के बारे में, क्योंकि राम को आक्रमण करना है लंका पे, इसलिए हनुमान जी स्टडी करते हैं, इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी स्टडी कर रहे हैं लंका के अलग अलग मार्ग, अलग अलग वेज, यू नो कैसे यूजफुल हो राम की सेवा में। तो ये भक्त का लक्षण है, ऑलवेज अलर्ट। तो ऐसा प्रवेश करते करते हनुमान जी सबसे बड़े महल में, रावण के महल में प्रवेश करते हैं, और क्योंकि रात का समय है किसी को पता नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे हनुमान जी प्रवेश करते हैं और देखते हैं वो पुष्पक विमान है जो रावण ने, रावण का लंका मतलब चुराया हुआ प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, लंका कुवेर का था, रावण चुरा के बैठ गया। जैसे प्रभुपाद बोलते थे ब्रिटिश म्यूजियम क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी, सब इंडिया का माल है, ब्रिटिश म्यूजियम। आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाओगे क्या मिलेगा, सब इधर का ही माल मिलेगा, उधर चुराया हुआ माल है। तो रावण का लंका चुराया हुआ प्रॉपर्टी था, पुष्पक विमान चोरी करके, कुवेर का है पर उसने अपना टैग नेम डाल दिया, उसका नाम आ गया। तो धीरे धीरे हनुमान जी रावण के महल में, रावण के बेडरूम में प्रवेश करते हैं, छोटे से बंदर के रूप में प्रवेश करते हैं। और हनुमान जी देखते हैं रावण के बेडरूम में इतने सारे स्त्रियां अलग अलग नग्न अवस्था में, दारू पी के, म्यूजिक चल रहा है, अलग अलग अवस्था में पड़े हैं। और हनुमान जी को क्या करना है, सीता को खोजना है। अभी सीता को खोजना है, स्त्री को खोजना है कि स्त्रियों के संग में ही खोजेंगे, ठीक है? तो हनुमान जी एक एक स्त्री को गौर से स्टडी कर रहे हैं। राम ने डिस्क्रिप्शन तो दिया था सीता का, एक एक स्त्री को स्टडी कर रहे हैं, ये सीता है क्या, ये सीता है क्या। तो हनुमान जी सोच रहे हैं, थोड़े समय बाद ऐसा गौर गौर से स्टडी करने के बाद हनुमान जी सोच रहे हैं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो भगवान का, जैसे मैं बोल रहा था, भगवान का सेवा करना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे टेस्ट आते हैं। इमेजिन करो हनुमान जी के, हनुमान जी का आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी इतने टेस्ट से गुजर के आए, इज गॉन थ्रू सो मच टेस्ट। सो इतना प्रलोभन था लंका में, रावण के महल में, फिर भी हनुमान जी का इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग था। तो हनुमान जी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और अपने आप से बातचीत करते हैं, और उनको समझ में आता है कि मेरे अंदर कुछ खोट नहीं है, देयर इज नो इंप्यूरिटी विद इन मी, मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ, और क्योंकि ये स्त्री सीता को ढूंढना है ये मुझे मेरा सेवा है, क्योंकि मैं अंदर से अभी भी शुद्ध हूँ। सोच ओके, ऐसे ढूंढते ढूंढते जब बेडरूम के और अंदर प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि रावण, पहले बार हनुमान जी रावण को देख रहे हैं, इतना विशाल व्यक्ति। और इनफैक्ट रावण बहुत सुंदर था, ही वॉज वेरी हैंडसम। थोड़े स्त्रियों को रावण ने अपहरण करके लेके गए, बाकी स्त्रियां ऑटोमेटिकली रावण से शादी करने के लिए तैयार थे, इतना सुंदर था रावण, वॉज वेरी हैंडसम। तो हनुमान जी जब देखते हैं रावण को, उनके दिमाग में पहला थॉट, तो ये भक्त का विचार है, रावण को देख रहे हैं पर हनुमान जी के दिमाग में पहला थॉट आता है, अगर ये भक्त होता, इफ दिस पर्सन वॉज अ डिवोटी, ये नंबर वन भक्त होता। देखो हनुमान जी की महानता, और सोचे रावण भक्त होता तो पूरा दुनिया रावण का पश्चिमों पर जाके उसको फॉलो करता, पर क्या करें, काम वासना की वजह से ये लुट गया। हनुमान जी देखते हैं कि रावण के बिस्तर पे जो सेंट्रल बेड है
उस पे एक स्त्री सोई है और वो स्त्री इतनी सुंदर है, हनुमान जी सोच रहे हैं कूदने लगते हैं, बंदर है बहुत एक्साइटमेंट आता है, मिल गई सीता, यही सीता है। हनुमान जी एक्साइट हो गए और बाद में सोच रहे हैं सीता कैसे हो सकती है, सीता थोड़ी ना रावण के साथ सोई थी। तब वो गौर से स्टडी करते हैं, उनको समझ में आता है ये मंदोदरी है, हेमपुर से जो शुरू हुआ था वो स्टोरी, ये हेमा और मायासुर की लड़की मंदोदरी है। और ऐसे देख के हनुमान जी बहुत निराश हो जाते हैं, पूरा लंका ढूंढ लिया ऑलमोस्ट, फिर भी उनको सीता नहीं मिली। तो हनुमान जी सोच रहे हैं अभी सीता रहेगी कहाँ, सब जगह ढूंढ लिया सीता ही नहीं है। तो हनुमान जी बहुत डिजेक्ट हो जाते हैं और अकेले हैं, दोस्त भी नहीं है, किसके साथ बात करें। तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं यहीं पे खुदकुशी कर लेता हूँ, लेट मी डाई है, क्योंकि मैं वापस जाके सुग्रीव को बताऊंगा कि सीता नहीं है, सीता मिली नहीं, तो सुग्रीव मर जाएंगे और सुग्रीव को देख के बाकी जितने भी वानर सेना है वो सब खुदकुशी कर लेंगे, राम और लक्ष्मण मर जाएंगे, अयोध्या वासी सब मर जाएंगे, उससे अच्छा है मैं ही मर जाऊं इधर। तो हनुमान जी ऐसे सुइसाइडल थॉट्स आ रहा है उनके अंदर, पर उनको लगता है नहीं मुझे आशा नहीं होना है। वो राम का नाम का जप करने लगता है और उस समय उनको एक जगह दिखता है जहां उन्होंने अब तक खोजा नहीं, अशोक वाटिका, सुंदर बगीचा है रावण का सबसे फेवरेट गार्डन। तो हनुमान जी जाते हैं, नया आशा का किरण आता है, जैसे मैं बता रहा था सुबह, जब भी व्यक्ति राम का नाम लेता है या रामायण स्मरण करता है एक आशा आता है, होप, होप टू लिव। तो हनुमान जी ने एक नया आशा का किरण दिखा और वहां पे जाते हैं और वहां पे वो एक्चुअली सीता देवी को देखते हैं, एक वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी है और इतना विलाप कर रही है। और जैसे जब हनुमान जी किष्किंधा से निकल रहे थे तब हनुमान जी के अंदर एक प्रश्न था कि एक स्त्री के लिए, हमने कल बंदरों का कैलकुलेशन देखा, मतलब कितने अरबों खरबों, इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मंकीज। तो हनुमान जी सोच रहे थे एक स्त्री के लिए इतने सब बंदर क्यों टेंशन ले रहे, राम को ये एक स्त्री इतना क्यों मूल्यवान है, दूसरे स्त्री से शादी करने का था ना, सिंपल है। जब हनुमान जी लंका में जाके सीता को देखते हैं तो हनुमान जी सोच रहे हैं इतना देर राम जिंदा कैसे हैं, सीता के विरह में राम जिंदा कैसे हैं, सीता इतना सुंदर थी, उसके अंदर इतना ममता था, हनुमान जी राम से तो प्रेम करते थे, अभी सीता देख के हनुमान जी का प्रेम धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, हनुमान जी को लगा सीता राम से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी वो पेड़ पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कब मैं आके सीता को ये संदेश दूं। उसी समय ही रावण आता है सीता के पास और अलग अलग प्रपोजल्स देता है सीता को। उस समय सीता बिल्कुल नहीं सुनती रावण को, इनफैक्ट सीता रावण के बीच में उसके उसके और रावण के बीच में घास डालती है, जैसे पहले जमाने पर्दा होता था ना, तो सीता देवी पर्दा रखती है और बोलती है इसको लांघो मत, डोंट क्रॉस दिस, इनफैक्ट अलग अलग मैसेज देती है सीता रावण को, वो घास डाल के वो बोलती है कि पहले मैं हम जब वन में थे उस समय जयंत इंद्र का पुत्र आया था कौवे के रूप में हमको तंग करने के लिए, उस समय भगवान राम ने एक घास के तिनके को लिया और ब्रह्मास्त्र का शक्ति डाला और जयंत के आम को उड़ा दिया। तो सीता वो घास रख के बोलती है ये घास नहीं है, इसमें भगवान राम उसके ब्रह्मास्त्र में शक्ति डाल सकते हैं, तो ये घास को घास मत समझो। और दूसरा आचार्य बताते हैं जब घास डालती है सीता बता रही है रावण को, घास कौन खाता है, पशु खाता है, बोलते हैं तुम पशु के रूप में हो तुम मेरे पास मत आओ। तो फाइनली रावण जब चले जाते हैं तब हनुमान जी सोच रहे हैं कैसे मैं एंट्री करूं, हाउ शुड आई एंटर, क्योंकि मैं सीधा चलांग लगाऊंगा तो सीता डर जाएगी ये कौन आ गया, शायद रावण अलग वेश में आ गया। तो हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठ के सुंदर आवाज में, हनुमान जी बहुत सुंदर भी गाते हैं, नारद मुनि ने उनको ट्रेनिंग दिया गीत का, बहुत सुंदर आवाज में पूरा रामायण का वर्णन करते हैं। जब सीता देखती है कि लंका में रामायण, जब भगवान की कृपा है कुछ भी हो सकता है, लंका में भी रामायण सुन सकता है व्यक्ति,
तो सीता को इतना हो पाता है, ये जगह पे भी रामायण सुन सकता है। वो कौन है व्यक्ति, हु इज दैट पर्सन हु इज स्पीकिंग रामायण? जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, जब प्रताप रुद्र महाराज जो उड़ीसा के राजा है, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु हर बार बोलते हैं नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा को नहीं मिलूंगा, मैं राजा को मिलूंगा तो मेरा धर्म दष्ट हो जाएगा। हर वक्त चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं नहीं, आप प्रताप रुद्र महाराज को कृपा दो, कृपा दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बार रथ यात्रा का समय आता है, और रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होता है, बीच में रथ रुकता है, बालगंडी करके एक गार्डन है, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं। उस समय ही सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा के गुरु हैं, वो राजा को बोलते हैं राजा का वेश निकालो और नम्र भिक्षुक का वेश लेके जाओ, चैतन्य महाप्रभु के पैर का मसाज करो, और मसाज करते हुए भगवान का गुणगान करो, गोपी गीत गाओ। तो प्रताप रुद्र महाराज जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु का पैर का मसाज कर रहे हैं, मसाज करते करते गोपी गीत गाते हैं, तब वो कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत गाते हैं, और इतना मग्न हो जाता है चैतन्य महाप्रभु कि कौन है ये व्यक्ति जो मुझे आके कृष्ण कथा सुना रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उठ के प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं। पहले बोला था चैतन्य महाप्रभु ने राजा को मैं देखूंगा तब से, अभी वही चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं भुरीदा तुमसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है, क्योंकि तुम मुझे कृष्ण कथा सुना रहे। तो सीता देवी इतना प्रसन्न होती है, लंका में जहाँ पे सब कुछ डिप्रेसिंग है, इतने एक महीने थोड़ी महीने से मैं रो रही हूँ, कुछ भी आशा का किरण नहीं है, यहाँ पे कोई तो आके मुझे कृष्ण कथा सुना रहा है। तो हनुमान जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लोगों को होप देते हैं। हनुमान जी गिव्स होप एंड कॉन्फिडेंस टू डिवोटीज। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सुग्रीव जब माहौस हो चुका था, जीने का उसके पास आशा ही नहीं था, हनुमान जी आके उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, और हनुमान जी राम को लेके आते हैं, सुग्रीव से मिलाते हैं। तो यहीं पे सीता का जब कॉन्फिडेंस टूट गया, हनुमान जी आके राम कथा के रूप में, राम आने से पहले ही राम कथा लेके आते हैं और सीता को होप देते हैं। तो गुरु का यही कर्तव्य है, जो भौतिक दुनिया में जो जीव है जिनका आशा ही चला गया है, जैसे सीता को रावण ने किडनैप करके रखा है लंका में, वैसे हम सब भी लंका में हैं। ये शरीर एक आइलैंड की तरह है, और रावण दशग्रीव था, 10 सर वाला, तो हमारे 10 इंद्रियां हमको कैप्चर करके रखे हैं। जैसे सीता तड़प रही है, हमारा आत्मा तड़प रहा है, हम सब लोग आशा का किरण वो ढूंढ रहे हैं, और वो आशा का किरण गुरु आके देते हैं। और क्या करते हैं, पहले गुरु आके कृष्ण कथा सुनाते हैं, राम के दर्शन के पहले राम का कथा सुनाते हैं, और उससे एक नया वो पाता है। तो सीता इतना आनंद में है, और उस समय हनुमान जी आते हैं सामने, तो सीता इतना प्रसन्न होती है हनुमान जी को देख के, आपने पहली बार मुझे एक होप दिया है। तो फाइनली हनुमान जी वो अंगूठी लेके सीता को दे रहे हैं, और उसमें भी हनुमान जी का सेंसिटिविटी है, ऐसे देते नहीं है सीता को, क्योंकि हनुमान जी को लग रहा है सीता श्रेष्ठ है, मैं कैसे सीता को कुछ दे सकता हूँ। तो अंगूठी हाथ में ऐसा रखते हैं और सीता को बोलते हैं आप उठाइए, सीता उठाएगी, श्रेष्ठ कौन रहेगा, सीता रहेगी। जस्ट सी द सेंसिटिवनेस ऑफ हनुमान जी, ऐसे देते नहीं है, अंगूठी भी ऐसे रखते हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल। तो ये हनुमान जी का ग्रेटनेस है, मतलब इतने शक्तिशाली होके भी एटिकेट भूले नहीं, हमेशा नम्र रहे, वेरी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। तो सीता जब अंगूठी देखती है, और हनुमान जी वो कहानी बताते हैं जो राम ने सीता हनुमान जी को बताया था सीता के बारे में, सीता को बहुत विश्वास आता है। और हनुमान जी अभी तो सेवा हो गया, हनुमान जी का इतना ही सेवा था, राम का संदेश सीता को देना, और सीता 2-3 संदेश राम को देती है, और एक चूड़ामणि निकाल के देती है, आप राम को जाके दे दो, तो राम को विश्वास आएगा आपने सही में आपका मेरे साथ मुलाकात हुआ। यहाँ पे हनुमान जी का सेवा समाप्त होता है, पर हनुमान जी के अंदर बहुत उत्साह है, हनुमान जी को लगता है कि ये तो मजा नहीं आया, लेकिन हम इतना दूर आए तो कुछ तो मजा करके ही जाएंगे, एक्स्ट्रा सर्विस,
कुछ एक्स्ट्रा सेवाएं करके ही जाएंगे, फिर से अवसर मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो हनुमान जी वो पूरा अशोक वाटिका को तोड़ने लगे, इतना विशाल रूप लेके, अभी तक छोटे थे, विशाल रूप ले लिया उन्होंने और पूरा अशोक वाटिका को तोड़ने लगे। और वो अशोक वाटिका रावण का सबसे फेवरेट गार्डन था पूरे लंका में, पूरे वाटिका को तोड़ दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया, जो मंदिर थे जो भी है सबको तोड़ दिया। तो साइरन बजता है रावण के पास कि एक बंदर आके ऐसा कर रहा है। तो रावण अपने अलग अलग जो सेनापति है उनको भेजता है, मेनी मेनी पीपल कम। तो हनुमान जी हर एक व्यक्ति को मार देते हैं। तो फाइनली रावण उसके एक पुत्र है अक्षय कुमार, ये ओरिजिनल अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार को भेजते हैं। उसको भी बहुत स्टंस आता था अक्षय कुमार, तो वहां के अलग अलग स्टंस करने लगे। हनुमान जी उसको पकड़ के घुमा घुमा के मार देते हैं, उधर ही अक्षय कुमार का हरि बोल हो जाता है। तो उस समय ही इंद्रजीत आता है उधर और अपना एक ब्रह्मा का दिया हुआ एक अस्त्र छोड़ता है और हनुमान जी को बांध देता है। हालांकि अगर आपको याद है हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया कि मेरा कुछ भी अस्त्र आपको काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी को कुछ अस्त्र काम नहीं करने वाला था, पर हनुमान जी को लगा ये सही मौका है, रावण का 1-to-1 मीटिंग होगा, है कि नहीं, कुछ उपदेश उसको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ देने का। तो हनुमान जी को खींच खींच के लेके गए रावण के पास और रावण हाइट में बैठा है। तो हनुमान जी बोले ये सही नहीं है, हालांकि मैं नम्र हूँ, राम के सर्वेंट को हाइट चाहिए। तो हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण के सीट से ज्यादा हनुमान जी का हाइट हो गया। तो हनुमान जी बोले अभी बातचीत करेंगे, ये मेरा लेवल है, राम का दास हूँ, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। बोले मैं राम का दास हूँ, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जब अलग अलग सिटी पे जाते थे अमेरिका में, तो उनके भक्त प्रभुपाद के लिए फर्स्ट क्लास बड़े बड़ा गाड़ी अरेंज करते थे। तो एक रिपोर्टर आए और पूछने लगा प्रभुपाद को, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी क्यों आपके लिए, आप तो साधु संत हैं, सिंपल टैक्सी में जाओ। प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे लिए एक्चुअली ये कम है, उनको मेरे लिए सोने का गाड़ी अरेंज करना चाहिए, पर मैं कृपा करके ये स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मेरा सम्मान करना उनका कर्तव्य है। तो हनुमान जी रावण को उपदेश देते हैं, इनफैक्ट रावण हनुमान जी को पूछता है आप हो कौन, हु आर यू। तो हनुमान जी बोलते हैं भगवान राम की सेना में लाखों खरबों वानर हैं, उसमें सबसे तुच्छ वानर मैं हूँ, और देखो क्या कर दिया तुम्हारे अशोक वाटिका का, रैंकिंग मेरा सबसे लास्ट है, ये हाल है तेरे अशोक वाटिका का, अभी बहुत जल्दी सब आएंगे, सीता को वापस करो नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो रावण को शौक लगता है कि एक वानर आके इतना उत्पात मचा के जा रहा है। तो रावण एक्चुअली बोल रहा है इसको मार दो, उस समय विभीषण बोलते हैं नहीं, दूत को कभी मारते नहीं है, मैसेंजर को कभी नहीं मार सकते। तो रावण पहले बार कुछ स्वीकार करता है, तो बोलता है ठीक है उसके पूंछ को जला दो, क्योंकि बंदर के लिए पूंछ बहुत प्रिय है, उसके पूंछ को जलाओ और लंका में घसीट घसीट के उसका मजाक उड़ा। तो हनुमान जी के पूंछ को जला देते हैं। अग्निदेव ने भी वरदान दिया था हनुमान जी को कि मेरा अग्नि आपको कुछ करेगा नहीं, तो हनुमान जी के पूंछ जल गए। तो उसको लंका के अलग अलग सड़कों पर घसीट के लेके जा रहे हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी को लग रहा है बहुत अच्छा है, मुझे अभी पूरा लंका स्टडी करने को मिलेगा अंदर से, तो बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर हनुमान जी को लगने लगा ये सही नहीं है, राम के भक्त के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, राम के प्रति अपराध होगा। तो हनुमान जी उनसे जो चेन उन्होंने भांगा था सब तोड़ के निकलते हैं और पूरा लंका को जलाने लगते हैं। ये चित्र है क्या, किधर है वो चित्र, वहाँ पे वो चित्र है, पूरे लंका को जलाते हैं और हनुमान जी को बहुत मजा आता है, तो आग से पूरे लंका हर एक जगह पे जाके जलाते हैं, एक ही महल विभीषण के महल छोड़ के सब कुछ जला देते हैं। और फाइनली लंका के एंड पॉइंट पे आके हनुमान जी देख रहे हैं पूरा लंका जल रहा है, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं उनके सेवा से। पर बाद में हनुमान जी सोच रहे हैं अरे मैंने पूरा लंका जला दिया,
सीता भी जल गई तो हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं, बोलते हैं अरे बंदर जैसा काम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। बाद में हनुमान जी को पता चलता है सीता के प्रार्थना से ही मुझे कुछ नहीं हुआ है तो सीता को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा चल के जय श्री राम बोल के हनुमान जी वापस आते हैं रामेश्वरम, और सब बंदर यहाँ पे रुके हैं रामेश्वरम के तट पे, हनुमान जी कब आएंगे कब आएंगे। तो सडनली हनुमान जी एक आग का गोला आता है, समुद्र में आके गिरता है, हनुमान जी वहां पे उनका आग बुझा के सब बंदरों के पास आके पूरा स्टोरी बोलते हैं, और सब बंदर इतना खुश है कि हम हमारे में से एक बंदर ने इतना सब कुछ कर लिया, इतना एक्साइटमेंट है उनको। और वापस रामेश्वरम से वो किष्किंधा आते हैं, और किष्किंधा में एक जगह है जिसका नाम है मधुपर्वत, वहां पे हम गए नहीं, वो यहीं पे है मल्लवंत पर्वत के पास ही है। वो सुग्रीव का सबसे फेवरेट गार्डन था, सबसे फेवरेट गार्डन। तो वो गार्डन को आके सब फल तोड़ने लगते हैं, सब पेड़ तोड़ने लगते हैं, मधु पीते हैं, और सुग्रीव को जाके एक व्यक्ति कंप्लेन करता है, देखो ये सब बंदर आके आपके वन को तोड़ रहे हैं। तो जनरली कोई करता था तो सुग्रीव उसको मार देता, पर इस बार सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए, बोलते ये बंदर मधुवन तो तोड़ रहे, मतलब अच्छा समाचार मिला है, गुड न्यूज। तो सब अच्छा मजा करके वापस मल्लवंत पर्वत पे आते हैं, और हनुमान जी ऊपर से ही अभी राम को बताना है सीता मिल गई। सुग्रीव और राम सुनना चाहते हैं आई फाउंड सीता, मुझे सीता मिल गई, वो शब्द सुनना चाहते हैं। पर हनुमान जी सोच रहे हैं आई फाउंड सीता बोलूंगा, आई बोलूंगा तो राम सोचेंगे आई फाउंड नॉट फाउंड, उनको और भयभीत होगा। वो सीता बोलेंगे तो राम सोचेंगे, पहला सीता बोलेंगे तो राम सोचेंगे सीता मिली कि नहीं मिली। तो हनुमान जी रिफ्रेस करते हैं और बोलते हैं फाउंड सीता आई। तो पहला शब्द राम क्या सुनना चाहते हैं फाउंड, तो ग्रामर को ही चेंज करते हैं, राम की प्रसन्नता में ग्रामर को चेंज करके हनुमान जी बोलते हैं फाउंड मिल गई, कौन सीता और मुझे मिल गई। तो वापस आके हैं, हालांकि हनुमान जी ने इतना किया पर हनुमान जी राम को कुछ बोलते ही नहीं है, क्या क्या हुआ। हनुमान जी पीछे खड़े हैं, सेवा सब कुछ किया उन्होंने, नम्रता से पीछे खड़े हैं, बाकी सब बंदर बता रहे पता है ये हुआ वो हुआ सब बता रहे, हनुमान जी पीछे खड़े हैं नॉट वॉन्टिंग एनी रिस्पेक्ट। राम इतना प्रसन्न होते हैं हनुमान जी पे, हनुमान जी बोलते हैं, राम बोलते हैं मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और भगवान राम हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। वो चित्र है क्या इधर, भगवान राम हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं इससे ज्यादा क्या मिल सकता है, भौतिक दुनिया का चीज कुछ भी नहीं है राम के आलिंगन के सामने। इसलिए अगर हम भी हनुमान जी के पच्चीनों पर जाएंगे, हर एक व्यक्ति को हीरो की जरूरत है, तो हमारे हीरो यहाँ पे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे और हम भी हनुमान जी की तरह सेवा करेंगे अपने प्रयास अपने क्षमता के अनुसार, वी ट्राई अवर बेस्ट, तो निश्चित रूप से हमको भगवान श्री राम का आलिंगन मिलेगा। और वो मिल गया तो देयर इज नथिंग एल्स नीडेड इन लाइफ, उसके अलावा ये जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। तो ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ हनुमान वॉज वर्थ इट फॉर दैट वन एम्ब्रेस। तो भक्ति में जितना भी कष्ट आता है बाधा आता है सब सहन करते हुए उत्साह के साथ, उत्साह निष्ठया धैर्य, उत्साह के साथ धैर्यता के साथ और निश्चय के साथ हम भक्ति करते रहेंगे, अवश्य हनुमान जी को जो कृपा मिला और जो शबरी को जो कृपा मिला, बहुत जल्दी हम शबरी के आश्रम में जाएंगे, वो कृपा हमको भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।